मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर क्लास फोर सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर थर्ड चैप्टर एंड टॉपिक इज द नॉर्दर्न द ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन्स। तो स्टडी वी हैव स्टडीड दैट हाउ नॉर्दर्न अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स एंड वी केम टू नो दैट नॉर्दर्न प्लेन्स is extremely fertile and we also came to know the fact about its fertility। हम लोगों ने ये भी जाना और डिस्कस किया हम लोगों ने वहाँ का मिट्टी क्यों फर्टाइल होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहाँ का नदी जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र वहाँ से होकर गुजरती है और अपने साथ क्या अपने साथ सिल्ट लाती है और सिल्ट और सैंड लाती है, जिससे क्या होता है वहाँ का मिट्टी फर्टाइल होती है। और हम लोग द गंगा द सतलज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिज रिवर्स डिवाइड द नॉर्दर्न प्लेन्स इनटू रिवर बेसिन। और ये सब नदियाँ हैं जो नॉर्दर्न प्लेन को रिवर बेसिन में डिवाइड करता है, विभाजित करता है, बांटता है। एक्चुअली बेसिन मीन्स होता है एन एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम विच वाटर फ्लोज इनटू अ रिवर। किसी भी क्षेत्र जहाँ से पानी होकर वहाँ से गुजरती है और कहाँ मिलती है जाके नदी में मिलती है, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं वाशिंस बोलते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जनरली ऐसा तीन नदियों का वाशिन है। कौन कौन? सतलज है जो कि फर्स्ट, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके अलावा गंगा है, ब्रह्मपुत्रा भी है। तो फर्स्ट सबसे पहले सतलज के बारे में स्टडी करेंगे। सतलज रिवर वाशिन लाइज इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। अरे नॉर्दर्न प्लेन के सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, मतलब पश्चिम, सबसे जो पश्चिम वाला पॉइंट है पार्ट है वहाँ पे वो स्थित है। द सतलज इज द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस। और सतलज है जो, और नदी इंडस का सतलज है जो सबसे बड़ा ट्राइब्यूटरी, सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी वो होती है छोटे छोटे नदियाँ जो अंत में बड़ी नदियों में मिलकर उस नदी को और बड़ा बनाती है। तो सतलज है जो कि इंडस का सबसे लंबा बड़ा जो भी लंबा नदी है, ट्राइब्यूटरी सहायक नदी है। इट ओरिजिनेट इन तिब्बत फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश टू इंटर पंजाब। और ये इसका ओरिजिनेशन क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, तिब्बत में है जो कि चाइना में है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, हिमाचल से होकर पंजाब गुजर जाती है, प्रवेश करती है। द विज रिवर इज द मेन ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलज। और विज नदी है जो सतलज का प्रमुख सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी नदी है, जो कि ये विज नदी है जो प्रमुख है, मेन है, मेजर है हम कह सकते हैं, जो कि इससे मिलके और सतलज को बड़ा बनाता है क्योंकि सहायक नदी है इसका। अब है डियर स्टूडेंट, द टू रिवर्स फ्लो इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। और दो नदियाँ जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से कहाँ ज्वाइन करती है, इंडस रिवर में जो कि अभी पाकिस्तान में है। और अंततः कहाँ डिस्चार्ज होती है, अरेबियन सी में। इसका पानी कहाँ अंत में मर्ज करता है, अरेबियन सी, अरब सागर में मर्ज करता है इसका पानी। अब है द मेजर स्टेट्स इन सतलज वाशिंस आर पंजाब हरियाणा। और यहाँ का जो सतलज का मेजर जो वाशिन है, वाशिन में मतलब वही वैसा क्षेत्र जहाँ से
पानी होकर गुजरती है और किसी नदी में मिलती है, उसी को वासिंद बोलते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन है? पंजाब और हरियाणा, नाम याद रखिए, पंजाब एंड हरियाणा आर द टू मेजर स्टेट्स ऑफ सतलज वासिंद। द वासिंद डजंट रिसीव मच रेनफॉल, सो मोस्ट ऑफ द इरीगेशन वर्क इज डन बाई कैनल वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, सिंस वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती नहीं है, इसीलिए वहाँ पर जो भी सिंचाई का वर्क है किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, कैनल पे, वेल पे या ट्यूबवेल से होता है, क्योंकि वहाँ रेनफॉल होता नहीं है, होता है कम होता है। द सतलज वासिंद इज फेमस फॉर इट्स सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हालांकि वहाँ पे रेनफॉल होता नहीं लेकिन ट्यूबवेल या वेल्स या कैनल से इरीगेशन का काम किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, डिस्पाइट ऑफ नॉट सरप्लस रेनफॉल हेयर एग्रीकल्चर सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज रिसीव्ड है, यहाँ बिना हालांकि वहाँ रेनफॉल तो होता नहीं उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में एग्रीकल्चर खेती होता है, प्रोडक्शन भी होता है, उत्पत्ति भी होता है वहाँ कृषि से। इट मेनली इंक्लूड व्हीट, राइट, कॉटन एंड शुगर केन, जो प्रमुख क्रॉप यहाँ जो ग्रो किए जाते हैं कौन कौन है, व्हीट है, राइस है, कॉटन है और शुगर केन है। अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, जलंधर, पानीपत, रोहतक आर इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ दिस रीजन, और इस क्षेत्र का ये सब इम्पोर्टेंट सिटी है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट, आई विल सजेस्ट यू मस्ट वॉच द वीडियो ट्वाइस थ्राइस अंटिल यू डू नॉट गेट दिस पॉइंट्स। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, हैव ए नाइस डे।